ब्रेक के बाद अस्मिता में आपका एक बार फिर स्वागत है और सवालों के दौर को हम जारी रखते हैं। लेते हैं अगला सवाल, पूछिए आप अपना सवाल। मेरा क्वेश्चन विक्रम सर से है। सर, क्वेश्चन पेपर किस तरह के होंगे, सब्जेक्ट कौन से होंगे और इसके ड्यूरेशन क्या होगी एग्जामिनेशन की? ये जो जो CTET अभी जो हुआ है वो ऑलरेडी एग्जाम हुआ है, 25-26 जून को एग्जाम हुआ है। तो इस एग्जाम का जो पैटर्न है वो एक तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और इसमें चाइल्ड साइकोलॉजी और जो जो विषय हैं जैसे सोशल स्टडीज़ है, साइंस है, मैथमेटिक्स है, लैंग्वेजेस है, दो लैंग्वेजेस का पेपर है। तो एक पार्ट ए पेपर है जो कि एक कक्षा एक से कक्षा पाँच के जो शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए, और दूसरा पार्ट बी है जो कक्षा 6 से 8 के लिए है। तो ये एक पैटर्न बना हुआ है और हर राज्य भी जो अपना जो टेस्ट करेंगे, जो टेस्ट होगा उनका पैटर्न यही रहेगा। लेकिन उसमें जो करिकुलम राज्य सरकार का है उस करिकुलम को मद्देनजर रखते हुए वो उस तरह का अपना उसका प्रश्न वो सब बनाएंगे। ड्यूरेशन वो डेढ़ घंटे का पेपर है, डेढ़ घंटे का पार्ट ए, डेढ़ घंटे का पार्ट बी। जो चाहे वो डेढ़ घंटे सुबह, डेढ़ घंटा शाम, दोपहर दोनों दे सकते हैं अगर वो पूरे शिक्षा एक से शिक्षा आठ के टीचर बनना चाहे। जो सिर्फ प्राइमरी के लिए बनना चाहे वो पार्ट ए दे सकते हैं और जो सिर्फ अपर प्राइमरी जो शिक्षा 6 से 8 के लिए वो पार्ट बी दे सकते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम ये भी आ सकती है क्योंकि सिर्फ रिटर्न टेस्ट है अमेरिका से, कोई वैसा टेस्ट तो है नहीं। तो रिटर्न टेस्ट तो हमारे देश में कुंजी लेके और लोग पास कर लेते हैं। मुझे लगता है कुछ इसमें कुछ और कुछ जोड़ने की जरूरत है। मुझे लगता है इनफैक्ट इसीलिए जब हम लोग ये जब पैटर्न बना रहे थे और ये जब स्ट्रक्चर बन रहा था तो उसमें इस चीज को बहुत ध्यान रखा गया है दैट इट इज नॉट अ टेस्ट फॉर टू मेमोराइजेशन, इट इज फॉर कंसेप्चुअल इश्यूज। जैसे उन्होंने बताया कि अगर इस तरह का अगर कोई एग्जाम्पल है, कोई इंस्टेंस होता है तो टीचर कैसे रिएक्ट करेगा, ये आपको किसी कुंजी में नहीं मिला, ये किसी किताब में पर्सनालिटी को कवर कर लेता है। तो इस तरह के सवाल है अगर पढ़ाने का भी है, ये भूगोल का सिंपल सवाल नहीं है, उसको पढ़ाने का क्या तरीका होना चाहिए उस पर सवाल है। तो इस चीज को रखा गया कि मेमोरी टाइप वो नहीं रहेगा कि आप उसको याद करके आए और एग्जाम हॉल में उलट। मैथ्स का एक अलजेब्रा है उसको कैसे पढ़ाया जाएगा, वो उससे रिलेटेड सवाल मैथ्स के पेपर में पूछा जा रहा है। अगला एक सवाल। सर, मेरा मिस्टर अशोक सर से सवाल है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन तहत के टेस्ट जो होंगे सर उसके अनुसार क्या कोशिशें चल रही पूरे भारत वर्ष में? राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन में क्या होगा कि टेस्ट के अनुसार क्या कोशिशें चल रही पूरे भारत? टेस्ट तो ठीक है, हम एक्सपेक्ट करते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि इस टेस्ट से एक क्वालिटी टीचर हमको मिलेगा। लेकिन अल्टीमेट टेस्ट तो ये है ना कि हमारा बच्चा कितना लर्न करता है। आज की तारीख में 80-85% जो बच्चे सरकारी स्कूलों में खासकर पढ़ते हैं, पांचवी पास करते हैं, उनको अपना नाम ना लिखना आता है ना पढ़ना आता है। तो अल्टीमेटली घूम के टेस्ट वहां से पता लगेगा। लेट अस सी, वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। अगला एक सवाल ले। मेरा क्वेश्चन वीरा जी से है। जिन बंदों ने बीएड की हुई है क्या उनके लिए कंपलसरी है टेस्ट देना या वो इससे बच सकते हैं? जिन्होंने बीएड की है और अगर वो पांचवी से आठवीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए नौकरी चाहते हैं तो उन्हें ये वाला टेस्ट देना है। और इस पे आगे भी सोच है कि जो दसवीं तक पढ़ाएंगे उनके लिए एक सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी होगा जो अभी प्रिपरेशन स्टेज पे है, लॉन्च नहीं हुआ है। बहुत पढ़ना पड़ेगा शिक्षकों को। अगला एक सवाल। मेरा क्वेश्चन सुदेश मैम जी से है। मैम, इसके अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर टेस्ट है तो क्या इसके अंदर हमारी माइनस मार्किंग भी होंगी? इसमें शायद माइनस मार्किंग नहीं है जहां तक मुझे, मैंने जितना इसके बारे में जानकारी प्राप्त की है, माइनस मार्किंग के सवाल इसमें शायद नहीं रखे गए हैं। नेगेटिव मार्किंग फिलहाल नहीं है, फिलहाल नहीं है। लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में होती है इसीलिए ये लोग जानना चाह रहे थे। हाँ, लेकिन इस वाले में उन्होंने इनकी जो CBSE की वेबसाइट पे आपको ये पूरी सूचना मिल जाती है, उसके अंदर ये लिखा गया है कि इन वाले प्रश्नों में इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, मल्टीपल चॉइस है। लेकिन जो 11 फरवरी की जो गाइडलाइन भारत सरकार की है NCERT की, उस गाइडलाइन में लिखा हुआ है टेस्ट का पैटर्न क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, उसमें ये हम लोग ने लिखा है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रखना है। अगला सवाल विक्रम सर से है। इसकी डिग्री प्रत्येक राज्य शैक्षिक संस्था को न देकर केंद्र सरकार राज्य संस्था को दे, वो कौन सी संस्था होगी? डिग्री कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगी, जो पास आउट होंगे उनके लिए किस सर्टिफिकेट? जो भी जैसे राज्य सरकार, राज्य सरकार जो है, राज्य सरकार जब वो एग्जाम लेगी तो राज्य सरकार अपना वो टेस्ट, वो सर्टिफिकेट प्रदान करेगी। केंद्र सरकार जो एग्जाम देगी, केंद्र सरकार वो सर्टिफिकेट प्रदान करेगी। सो जो सरकार उस टेस्ट को कंडक्ट करेगा, परीक्षा को कंडक्ट करेगा, वो सर्टिफिकेट प्रदान करेगा। राज्य वाला केंद्र के लिए एलिजिबल होगा?
वो आज की डेट में नहीं क्लियर केंद्रीय स्कूलों के लिए केंद्रीय स्कूलों के लिए वो एलिजिबल वो एलिजिबल नहीं होगा। ओके जी, अगला एक सवाल ले। मेरा सवाल वीरा जी से है, हमारे पास स्कूल काफी कम है और शिक्षा के आधार के बाद बच्चों की तादाद में काफी भारी इजाफा हुआ है, तो इसका समन्वय में कैसे कर पाएंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आरटी के अंतर्गत ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि सरकारी स्कूल्स कम हैं और बच्चे की तादाद ज्यादा है, और अगर हम एज अप्रोप्रिएट के हिसाब से बच्चों को लेते हैं और अगर थ्रू आउट ईयर एडमिशन लेते हैं, अभी इसका कोई सोल्यूशन है नहीं। जो आज का दिन जो आंकड़ा है, आज के दिन में आंकड़ा है ये कि करीब 80 लाख बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर हैं, जो 6 से 14 साल की उम्र के बच्चे हैं, 80 लाख हैं, और करीब 98% हैबिटेशन के आसपास जो स्कूल हैं। लेकिन चैलेंज सबसे है, एक तो है कि स्कूल में जो गुणवत्ता है उसको एक उसमें सुधार हो, और दूसरा ये जो 80 लाख बच्चे हैं, अलग अलग उम्र के बच्चे हैं, 6 से 14 साल के बच्चे जो कभी स्कूल गए फिर बाहर निकल गए या कभी स्कूल गए ही नहीं, तो उनके लिए एक स्पेशल प्रावधान आरटी एक्ट में किया गया है कि उन बच्चों को स्कूल में वापस लाकर उनके साथ एक स्पेशल ट्रेनिंग करके उनको स्कूल में कैसे रखा जाए और वो 8वीं तक साथ में पढ़ाई करे और 8वीं तक पास करे। सवाल पूछे। मैम मेरा सवाल गीतांजलि जी से है, लड़कियों के लिए टीचिंग करियर बहुत अच्छा माना जाता है, तो जो ये टेस्ट है इसकी किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, और ये जो ये पोस्ट है क्या ये ट्रांसफरेबल है? देखिए पोस्ट ट्रांसफरेबल है या नहीं ये मेरे ख्याल से विक्रम जी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, लेकिन तैयारी की बात मैं यही कहूंगी कि अगर आपने 12th तक की पढ़ाई की है और आप 1-5 के लिए एलिजिबल हैं, 50% आपके नंबर है, तो एलिजिबिलिटी ही आपको बताती है कि आपकी तैयारी किस लेवल की होनी चाहिए। 12वीं में 50% नंबर आने चाहिए, तो 12वीं के सब्जेक्ट्स को बहुत बहुत तसल्ली से, इत्मीनान से, अच्छे से पढ़िए। उसके बाद अगर आप JBT करते हैं, डाइट वाला कोर्स कर रहे हैं या RCI से कोर्स कर रहे हैं, तो जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई को तन्मयता के साथ कीजिए, लगन के साथ कीजिए, क्योंकि ये पढ़ाई ही का ही मूल्यांकन इस CTET में हो रहा है। जो चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, पेडागॉजी के क्वेश्चंस हैं, ये सब आपको BEd में पढ़ाए जाते हैं या RCI का जो आप डिप्लोमा करेंगे उसमें पढ़ाए जाते हैं। तो जो भी आपकी पढ़ाई है उसको अगर आप बहुत अच्छे से करते हैं और सब्जेक्ट बेस्ड जो क्वेश्चन है उसके लिए अगर आप NCERT की टेक्स्ट बुक्स को देख लेते हैं, तो मेरे ख्याल से आपका CTET का स्कोर बढ़िया होगा और आप लोग उस टीचर्स के लिए एलिजिबिलिटी बना पाएंगे अपने लिए। पूछे। मेरा सवाल गीतांजलि से है, बाल विकास और बाल मनोविज्ञान का कार्य काफी जोरों पर है, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है स्टूडेंट एंड टीचर की रिलेशनशिप पर? डेफिनेटली मेरे ख्याल से पूरा दारोमदार ही टीचिंग का इस बात पे है कि टीचर किस तरीके से पढ़ाती है और बच्चा किस तरीके से पढ़ता है। अगर आप NCF जो हमारा एक बाइबल माना जाता है कि स्कूली पढ़ाई के लिए, वो कहता है कि पर्पस ऑफ एजुकेशन क्या है, कि बच्चे की अंदर का पूरी तरह से विकास हो जाए, और टीचर अगर बाल मन को समझ पाए, मनोविज्ञान लगाते हुए बच्चों को समझ पाती है, बच्चों के बिहेवियर को समझ पाती है कि कक्षा में ये बच्चा अगर ऐसे बिहेव कर रहा है तो क्यों कर रहा है, तो कहीं ना कहीं टीचर उसको उसके अंदर के टैलेंट्स को, एप्टीट्यूड को बेहतर तरीके से बाहर ला पाएगी और पढ़ाई का जस्टिफिकेशन हो जाएगा कि जो पढ़ाई शिक्षा है वो स्कूल की किताबों में नहीं सीमित है, लेकिन बच्चे को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रही है। बिल्कुल। और अब मैं अगर आखिरी में आप सबकी राय ले लूं संक्षेप में, किस तरह की कोशिशों की आपको जरूरत महसूस होती है? देखिए इस संदर्भ में तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हमको कभी भी टेस्ट से या एग्जाम से डरना नहीं है। जिंदगी तो हर समय ही एग्जाम लेती है, और एग्जाम होने से अच्छा ये होता है कि हम हमेशा तत्पर रहते हैं अपने आप को और उसके लिए तैयार करने के लिए, और हम हमेशा पढ़ते हैं, तो एग्जाम होना तो जितने एग्जाम हो उतना अच्छा है। विक्रम जी हम तो यही कहेंगे कि युवा पीढ़ी के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है, आप सामने आई, हम लोग ने बहुत ही अपेक्षा की, बहुत ही एक एक्सपेक्टेशन के साथ ये एक तरह का ये नया प्रावधान लाया है टेट का, और हम लोग चाहेंगे कि आप लोग सब लोग इसको एक तरह से एक पॉजिटिव वे में देखिए, और हम लोग चाहेंगे कि अच्छे लोग, सब अच्छे पुरुष जितने हैं कल जाके शिक्षक बने और बच्चों का जो उनके
जो भी डेवलपमेंट में आप सहयोग दीजिए। कितनी टीचर्स की जरूरत है ये भी बता दीजिए लोगों को। 5 लाख तो मैंने आज बोला, 5 लाख है, लेकिन हमारा जो आंकड़ा है उससे 5 लाख से अधिक होगा, क्योंकि जो पीपल टीचर रेशियो की जरूरत है, बहुत से राज्य हैं जहाँ पर पीपल टीचर रेशियो बहुत ज्यादा है, उसको ठीक करने के लिए और भी 3 से 4 लाख टीचरों की शिक्षकों की जरूरत। 5 लाख तो हम मान ही सकते हैं, 8 से 9 लाख शिक्षक की जरूरत है। मैं इसको एक और तरीके से भी देखना चाहूंगी, आरटी के साथ में जोड़ के, उसमें एक बात कही एज अप्रोप्रिएट प्लेसमेंट की, और उसके लिए 3 महीने से लेकर के 2 साल के अंदर हमें ट्रेनिंग देके उन बच्चों को, जैसे आप 10 साल के उम्र के हैं और आपका 4th क्लास में दाखिला हुआ है लेकिन आप पहली बार स्कूल आ रहे हैं, इसका मतलब आपको 1 से 3 तक की पढ़ाई करनी है, उसके लिए इन टीचर्स की हम कॉम्पिटेंसी को कैसे तैयारी को करेंगे, क्योंकि नॉर्मल बीएड या डीएड के कोर्स में ये सब चीजें नहीं पढ़ाई जाती हैं। तो मेरी अपेक्षा इस टेस्ट से ये है कि क्या हम ऐसी सिचुएशन पैदा करेंगे जो करिकुलम को भी बदलेगी और हमारा नजरिया भी बदलेगा। बहुत अच्छी बात। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इज फाइन, बहुत अच्छा है, लेकिन कोई ये सोचे कि देश में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अब हो गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब एजेंसीज को बहुत मिलकर काम करना पड़ेगा। बहुत गंभीर स्थिति है, जो टीचर स्कूल में आ रहा है वो अपने बच्चे को स्कूल में नहीं पढ़ा रहा, सरकारी स्कूल में, वो उसको प्राइवेट स्कूल में भेज रहा है। दूसरा ये कि ऑफ कोर्स इससे जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ेंगी और बढ़नी चाहिए देश में, नौजवान लोगों को जरूरत भी है, लेकिन सिर्फ मैं यही कहूंगा कि वो इसको सिर्फ एम्प्लॉयमेंट तक ना रखें, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जो हमारे गरीब परिवार के बच्चे स्कूलों में आएंगे, जिनके लिए खासकर आप लोग टीचर होंगे, मुझे लगता है उनको बहुत ध्यान से उनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है, तभी हम अपना देश जो है बिल्ड कर सकेंगे, अपने अंदर इंसानियत जरूर जिंदा रखें। मैं बस यही कहूंगी कि सीटीईटी को अविश्वास की नजर से नहीं, विश्वास की नजर से देखिए। जैसे कह रहे हैं कि 5 लाख टीचर की जरूरत है, तो सीटीईटी का एग्जाम एलिमिनेशन का एग्जाम नहीं होगा, सिलेक्शन का एग्जाम होगा जिसमें आप ही में से लोग सिलेक्ट होंगे। तो अगर आप इस विश्वास के साथ, इस पॉजिटिविटी के साथ, ऑप्टिमिज्म के साथ अपनी पढ़ाई करते हुए सीटीईटी के लिए बैठेंगे और इस विश्वास के साथ कि हम अच्छे शिक्षक बनेंगे अपने देश की प्रगति के लिए, तो मेरे ख्याल से सीटीईटी का फ्यूचर बहुत बहुत उज्जवल है। बिल्कुल, हर युवा की ख्वाहिश है सुंदर भविष्य और आंखों में बेशुमार सपने, और सीटीईटी है एक बेहतर विकल्प। बेशक विदेशों में इस तरह का पैटर्न काफी पहले से है और वो कामयाब भी है, शायद उसकी एक वजह छात्र शिक्षक की रेशो भी है। यहाँ ये बात काबिले गौर है कि शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षकों की पैमाइश तभी मुमकिन है जब बड़ी संख्या में और स्कूल्स खोले जाएं, ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति की जाए और प्रत्येक क्लास में ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 छात्र हों, ताकि शिक्षक उन पर पूरा ध्यान दे सके और ज्याती तौर पर उन्हें जांच पर रख सके और इन नन्हे सितारों को उनकी जिंदगी में एक बड़ा मकाम दिलाने में उनकी नींव को और मजबूत कर सके। तभी किसी ने क्या खूब कहा है कि जुस्तजू में इल्म की जो खो गया, जुस्तजू में इल्म की जो खो गया, मंजिलों का पा लिया उसने सुराग। मैं अपने सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो यहाँ आए और इस चर्चा का हिस्सा बने। ऑडियंस का शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छे सवालों का दौर जारी रखा। आप भी आ सकते हैं अस्मिता में, कीजिए हमें ईमेल, हमारा ईमेल आईडी है smita.lstv@gmail.com। और इसी के साथ मैं समीना अस्मिता की पूरी टीम के साथ आपसे लेती हूँ इजाजत, फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वक्त बदल रहा है, बीता वक्त कुछ और था, आज का वक्त कुछ और है। हम लोगों ने पैराट्रूपिंग की है, माउंटेनियरिंग की है, हम लोग शूटिंग करते हैं।